Good evening, one and all. Please welcome to Isha Online Classes. Today we are going to discuss about Indian major writers in English. Today we are going to discuss about Raja Ram Mohan Roy, as well as Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo Ghosh, Sarojini Naidu, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. So these are not only poet and writers, they are the reformers. सो जो आज हम डिस्कस करेंगे राजा राममोहन राय के बारे में, गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में, अरविंदो घोष के बारे में, ये कवि भी थे. ये आप देखा जाए तो सोशल रिफॉर्मर्स ज़्यादा थे कि समाज के अंदर कुप्रथा जो थी उसको मिटाने में थे, और इसलिए शायद इन्होंने राइटिंग स्टार्ट करे ताकि लोगों को उनका मैसेज, उनका सोच, उनका थाट्स पहुँचे. तो इसलिए मैंने अपना दो वीडियोज़ बना है. पहले वीडियोस जो इंसान ऑथर से टोटली और यहाँ पे देखेंगे तो उनका समाज के लिए उतना ही योगदान है, ज़्यादा समाज के लिए योगदान है उन लोगों का. राइटिंग्स में थोड़ा सा कम है इनका देखा तो. तो राजा राममोहन राय से आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के अंदर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के अंदर रिनेसेंस का आरंभ राजा राममोहन राय से होता है. रिनेसेंस मीन्स पुनर्जागरण, मीन्स अगेन वॉट एवर द एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी दैट गोइंग टू बी चेंज अदरवाइज रिवाइवल. समाज के अंदर जो भी प्रथा चलता आ रहा है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और एक पुनर्जन्म, इंसान का एक पुनर्जन्म होता है, वैसे समाज के अंदर एक पुनर्जन्म होता है. थोड़े लोग समाज को बदलने के अंदर विश्वास रखते हैं, जो समाज के अंदर कुप्रथा है, जैसे सती का व्यवस्था था, सती का सिस्टम था अपने पास, विडो मैरिज नहीं था, विडो का मैरिज नहीं होता था, विडो के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, चेल मैरिजेस होते थे, वुमेन्स का लाइफ मतलब मिजरेबल होता था, बहुत दयनीय स्थिति में होते थे. तो 18th century के अंदर, जब आप 17th century के अंदर वुमेन्स के तो बहुत एक पैसिव रोल देखा गया है, एक्टिव रोल नहीं था सोसाइटी के अंदर. तो ये राजा राम मोहन राय है, वो रिनेसेंस है फॉर द मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के अंदर भी, साहित्य के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी. तो ये इनका जन्म हुआ था बंगाल के अंदर, और ये जो ये इन्होंने कंडेमिंग किया था, जो सोसाइटी के अंदर जो भी आ रहे थे उन्होंने विडो मैरिज को सपोर्ट किया है, उनके बारे में जानेंगे और उनके सम ऑफ द वर्क्स भी देखेंगे. और ये जो रिलेटेड लिटरेचर के ही नहीं है, ये अपना जीके पेपर के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है. राजा राम मोहन राय जो भी अभी इस वीडियो के अंदर आ रहा है, ये दोनों के अंदर काम आएगा, जीके नेशनल लेवल जीके एज वेल एज इन द लिटरेचर पार्ट आल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल. सो हम लोग देखे हैं कि रिनेसेंस प्रारंभ हुआ था इनके वजह से, और ये रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर, सुधारक थे. किस किस के अंदर? रिलीजियस, जो आप विश्वास कर रहे हैं, जाति पाति के अंदर, समाज के अंदर, जो अपने एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर बहुत इन्होंने बदलाव लाया है. और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था उनका जन्म. उनका पिता का नाम रमाकांत रॉय, माता का नाम तारिणी देवी थी, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. उन्हें 1828 इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्म सभा स्थापित किया है किसके साथ मिलके? द्वारकानाथ ठाकुर. अलंग द्वारकानाथ ठाकुर इन 1828 एस्टैब्लिश ब्रह्म सभा. ये ब्रह्म सभा क्या किया है, कोलकाता के अंदर बहुत कुछ बदलाव लाया है, और ये ब्रह्म सभा से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या समाज के अंदर जो भी चलता आ रहा है उसके खिलाफ एक मूवमेंट, एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हम देखा जाता है, इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थ्रू दिस ब्रह्म सभा. और राय किस किस भाषा के अंदर, देखिए कि इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन व बंगाली लैंग्वेज में मैगजीन्स पब्लिश की थी उन्होंने. सो वो उनका पकड़ किस, इन सभी लैंग्वेजेस में उनका अच्छा सा, ही इज़ पायोनियर. पर्शियन लैंग्वेज में भी वो किताबें लिखते थे. तो सम ऑफ द हिज बुक्स, सम ऑफ हिज बुक्स सी इम्पॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं. पहला वाला देखिए, संवाद कौमुदी. संवाद कौमुदी इंग्लिश के अंदर लिखा है, ये 1821 के अंदर लिखा है. मीरत उल अकबर इन पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है 1822 के अंदर. डिवाइन वर्शिप बाय गायत्री,
डिवाइन वर्शिप बाय गायत्री इन संस्कृत एंड इंग्लिश, ये दोनों में लिखा है 1827 के अंदर. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, आंसर ऑफ द हिंदू टू द क्वेश्चन इन इंग्लिश, ये कब लिखा है 1827 के अंदर. रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फाउंडेड ऑन सैक्रेड अथॉरिटीज 1829, ये दो लैंग्वेज में संस्कृत एंड इंग्लिश. सी संस्कृत एंड इंग्लिश में दो है यहाँ पे, डिवाइन वर्शिप बाय गायत्री इन संस्कृत एंड इंग्लिश, और एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फाउंडेड ऑन सैक्रेड अथॉरिटीज. देखिए इनका पूरा जो समाज के ऊपर रिलीजियस के ऊपर ही ज़्यादातर इनके वर्क्स देखा जाएगा, तो नाम याद करने में थोड़ा सा इंसान के साथ रिलेट करिए. ये क्वेश्चन करते हैं हमेशा, इनके क्वेश्चनिंग है, जो भी पता चलता आता है ही विल पुट ए क्वेश्चन वाई, सो ही वॉन्ट टू चेंज एंड ही वॉन्ट टू एनालाइज द वॉट एवर हैपनिंग इन द सोसाइटी, वॉट इज द करेक्ट वॉट इज द रॉन्ग, जो चलता आ रहा है उसके अंदर सही क्या है गलत क्या है, एनालिसिस करने वाला थे राजा राम मोहन राय. नेक्स्ट राइटर इंडियन राइटर, इंडियन राइटर से भी ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं इनको, राइटर से भी ज़्यादा महात्मा गांधी जी के बारे में से. उनका पीरियड था 2 अक्टूबर 1869 से लेके 30 जनवरी 1948 तक इनका पीरियड रह चुका है. इनको फादर ऑफ द नेशन, महात्मा, इनका इनको कौन बोला महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे महात्मा, और इनको बापू भी कहते थे. और इनका जन्म पोरबंदर के अंदर हुआ था. इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी जी और माता का नाम था पुतलीबाई. और मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम है. और ये राइटर्स से भी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर, इनके वजह से अपने को फ्रीडम आया कहने, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम आने में बहुत, इनका योगदान बहुत था अपने को फ्रीडम लाने में. और इनके कुछ सम ऑफ हिज वर्क्स, कुछ इनका कार्य देखा है तो फर्स्ट वन माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1925 के अंदर, ये ऑटोबायोग्राफी है, इनका खुद के ज़िंदगी के बारे में खुद लिखे थे ये माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. ये जो बचपन से लेके 1921 तक जो भी उनके ज़िंदगी में बीता था उन्होंने इसके अंदर पूरा किताब के अंदर लिखा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. और ये हर अगर गांधी जी के बारे में जानना है तो ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए. सो उनके लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ है हम लोग जान सकते हैं. नेक्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट इंडियन होम रूल, हरिजन, यंग इंडिया, द ग्रेट सेंटिनल, ये इनका कुछ वर्क्स हैं. और मैंने देखा है पूरा क्वेश्चंस दो तीन किताबों में, इनका जो है एक क्वेश्चंस इन महात्मा गांधी से क्वेश्चंस लिटरेचर के अंदर ज़्यादा पुटअप नहीं होता है, जीके के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे इनके. और एक क्वेश्चन है आप देख सकते हो नीचे, द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स कॉल्ड, ये लिटरेचर के अंदर दिया गया है. तो दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, गांधीयन एज. और ये तो आप तो इनके जो वर्क्स है इजी याद रख सकते हैं, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडियन होम रूल, हरिजन, यंग इंडिया, द ग्रेट सेंटिनल. इनमें से जो भी आता है शायद फ्यूचर में दे सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में, मगर ये जो दूसरे ऑथर्स के कंपेयर में इनके रिलेटेड क्वेश्चंस कम आया है एग्जाम में. और दो चार क्वेश्चन पूछूंगी, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चंस फिर से एक बार. वेटिंग फॉर द महात्मा, हु वॉज रिटन दिस वन, वेटिंग फॉर महात्मा, आर के नारायण. अब आर के नारायण के बारे में पूरा याद करिए, मालगुडी डेज है, आर के नारायण का पूरा नाम क्या है, ये मद्रास से बिलोंग है. आर के नारायण बोलते ही इनका फर्स्ट नावल कौन सा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, संपत है बाद में, वैसे पूरा याद आना है आर के नारायण के बारे में आपको. आर के नारायण का फुल फॉर्म क्या है, देन द अनटचेबल, ये है फर्स्ट नावल है, किसका है फर्स्ट नावल, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ये लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, ये उनका फर्स्ट नावल है, ये याद रखना. थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में फिर से देखेंगे ये. देखिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड गाइड के लिए मिला है, गाइड का पिक्चर भी बना था 1960 के अंदर. स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट वाला है, बैचलर्स ऑफ आर्ट, डार्क रूम, संपत से इनका नाम, थर्ड नावल है संपत,
ये पॉपुलर हो गए थे। फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इंग्लिश टीचर है, मैन ईटर ऑफ मालगुडी, पेंटर ऑफ साइन, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्टेटलेस डायरी, वेटिंग फॉर द महात्मा। आर के नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मेरे वीडियो में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ, पद्म भूषण को इन अवार्ड मिला है 1964 के अंदर। देखिए 1960-1964 दो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है 1960 के अंदर, ऐसा याद रखना, आप रिलेट कर लेना, को रिलेट कर लेना, ताकि आपको आसान हो जाए। नेक्स्ट राइटर वी एस नाइपॉल, इनका पीरियड है अगस्त 17 से लेकर 1932। सो अवार्ड्स देखा जाए तो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 2001, द बुकर प्राइज़ इन 1971, मैं इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ आपको, एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है नाइपॉल व्हेन ही गॉट द नोबल प्राइज़, डेट्स दे देंगे 4-5, तो 2001 के अंदर बुकर प्राइज़ कब मिला है इनको। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इन ए फ्री स्टेट, ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, एरिया ऑफ डार्कनेस, ऑफ ए लाइफ, और भी बहुत सारे हैं उसके अंदर। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ए कांगो डायरी, नेक्स्ट ए वे इन द वर्ल्ड, गुरिल्लास, ए गुरिल्लास भी पूछा गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर, देन बेंड इन द रिवर, ए बेंड इन द रिवर, नेक्स्ट ए फ्लैग ऑन द आईलैंड, ए द माइस्टिक मैसूर, मैजिक सीड्स, ए टर्न इन द साउथ, द राइटर्स एंड द वर्ल्ड एसेस। और ये डायस्पोरिक राइटर्स बोलते हैं इन लोगों को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायस्पोरिक राइटर्स, माने इंडिया के अंदर जन्म लेने के बाद भी अभी जो नेपाल है ये ब्रिटिश सिटीजन है, भारत देश में जन्म लिए मगर ये ब्रिटिश सिटीजन है। उनके फिक्शन और स्पेशल ट्रैवल राइटिंग को अलेजेडली अनसिम्पथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, इसके लिए उनको आलोचना सहनी पड़ी है। एक फिक्शन है, काल्पनिक था उनका, ट्रैवल राइटिंग है, तो उसके लिए उनको आलोचना सहना पड़ा। इन्होंने अपनी कई बुक्स में इस्लाम और कई बुक्स में हिंदुइज्म को डिस्कस किया है। इन्होंने स्लेवरी, रेवोल्यूशन, गोरिल्लास, करप्ट पॉलिटिशियन, पर अप्रेस्ड पुअर पीपल अप्रेस्ड, और समाज में डीपली रूटेड रेंजेस को अपने वर्क्स में दर्शाया है। ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हैं, ये बताया है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन के अंदर। इन्होंने दर्शाया कि भारत देश के अंदर पहले राजा महाराजा, जमींदार, ये कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, गरीब लोगों को और गरीब कैसे बनाते थे, ये डायरेक्ट अपने किताबों में लिखते थे, तो इनको इसलिए आलोचना सहना पड़ा है इनको। सो मैं फ्यू और इनके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जो आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। वी एस नाइपॉल रिसीव्ड द बुकर प्राइज इन, अब सामने है 1971, वी एस नाइपॉल रिसीव्ड द नोबल प्राइज इन, ये भी आपके सामने है सन 2001। तो इसके अंदर ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैंने प्रीवियस महात्मा गांधी जी के बारे में देखा है तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के बारे में, हरिजन इज रिटन बाय, हरिजन किताब लिखा है महात्मा गांधी, ऐसा पूछा जा सकता है। और एक है गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन, उनको जो डेथ डे है असैसिनेटेड वो कौन सा है, तो 30th January 1948, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात है, मैंने और एक आतर के बारे में डिस्कस किया था, मीरठ उल अकबर इज रिटन इन कौन से भाषा में लिखा गया, पर्शियन, मीरठ उल अकबर, और कौन लिखा है आपको मैं आई वॉन्ट टू आस्क यू। पहले मैंने आपको समझाया था किसके बारे में, राजा राम मोहन राय, मीरठ उल अकबर इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज बाय राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको याद रहे, ये हो गया है। और एक क्वेश्चन है महात्मा गांधी के रिलेटेड है, मैं राजा राव लिखा थे कांतापुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांतापुरा, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री पोएट नॉवलिस्ट। सो कांतापुरा वॉज एन अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ, ये कांतापुरा के अंदर क्या लिखा गया है, गांधी जी टीचिंग्स बाय राजा राम मोहन राय, ये भी गांधी जी के रिलेटेड ही किताब है, मगर राजा राव के लिखा है, उसका नाम कांतापुर है, पूरा कांतापुरा, ये रिमेम्बर।